हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और यह टॉपिक है रेलवे की आने वाली वैकेंसी, जो खास करके ड्राइवर और टेक्नीशियन की वैकेंसी है, वो कब तक आएगी, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसी होगी। और 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें बहुत सारे छात्र वेटिंग लिस्ट में हैं, हालाँकि रिप्लेसमेंट पैनल, एडिशनल पैनल और स्पेशल पैनल के द्वारा अभी तक काफ़ी सारे, यानी लगभग 30-40% छात्रों का वेटिंग क्लियर किया जा चुका है। यानी पूरे ओवरऑल इंडिया में 5 से 6 हज़ार लड़के और ड्राइवर और टेक्नीशियन मिलाकर के वेटिंग में बच रहे हैं। इन वेटिंग वालों का क्या होगा, नई वैकेंसी कब आएगी? तो आप सभी को मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि जुलाई में RRB की तरफ, सभी RRB से मंत्रालय के द्वारा एक डिटेल मांगा गया कि आपके यहाँ कितने अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं और कितनों को हम जॉब एट ए टाइम दे सकते हैं, यानी कि कितने आपको एट ए टाइम आपके बोर्ड में कितने लोगों की आवश्यकता है। तो उस आधार पर रिप्लेसमेंट पैनल, एडिशनल पैनल और एडजस्टमेंट पैनल वगैरह वगैरह जैसे ढेर सारे पैनल्स लाए गए, और उसमें अधिकांश बोर्डों में 300, 400, 500 की संख्या में लोगों को हर एक बोर्ड से क्लियर किया गया है वेटिंग लिस्ट से। तो बहुत सारे बोर्डों ने क्लियर कर दिया है, जो बचे हुए बोर्ड थे अब आज तक लगभग सभी ने क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद से वेटिंग लिस्ट वालों के लिए डाइवर्जन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि वेटिंग लिस्ट वाले जो भी कैंडिडेट बच रहे हैं उनको डाइवर्जन के द्वारा एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में भी भेज करके एडजस्ट किसी तरह से किया जाएगा। ये स्टैंडिंग कमेटी लोकसभा में बनी थी, उसका ये फैसला था कि 100% वेटिंग क्लियर होगा ड्राइवर, टेक्नीशियन और JEE तीनों का। उस आधार पर जो कहा गया है सरकार की ओर से, स्टैंडिंग कमेटी की ओर से मांग है, तो ये पूरा होना चाहिए ऐसा उम्मीद है। और अभी तक किसी RRB ने ऐसा नहीं कहा है कि डाइवर्जन पैनल नहीं आएगा, तो डाइवर्जन पैनल आने की पूरी संभावना है। और नई वैकेंसी ALP या टेक्नीशियन की जो आ सकती है, वह इस वर्ष के अंत से लेकर के पहला क्वार्टर जो होगा आपके आने वाले साल का 2023 का मार्च तक में आपको नई वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो नई वैकेंसी रेलवे की वैकेंसी का क्या हाल है कि वह चुनाव देख करके दी जाती है। तो चुनाव 2019 में था, 2018 में अंतिम बार LP टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, तो काफ़ी लंबा गैप भी हो चुका है। उस गैप के बाद काफ़ी सारे पद खाली भी हुए हैं, बहुत सारे पद पर वेटिंग हालांकि क्लियर करके भरा गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पद पिछले कुछ दिनों पहले रेल मंत्री ने लोकसभा राज्यसभा में प्रश्नों के जवाब में कहा था कि लगभग 1.5 लाख पद सेफ्टी के खाली हैं, यानी 2.5 से 3 लाख पद ओवरऑल रेलवे में अभी भी खाली है इतनी भर्तियां होने के बावजूद। तो 1.5 लाख के आसपास, उसके बाद 10 लाख मोदी जी ने जो घोषणा किया है कि अगले 1.5 साल में हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, उसमें से 1.5 लाख, 10 लाख में 1.5 लाख रेलवे की तरफ से आने की बात अश्विनी वैष्णव जी ने सदन में कही थी। तो रेलवे की जो मोस्ट अवेटिंग वैकेंसी है वह है ड्राइवर टेक्नीशियन की वैकेंसी, साथ ही साथ JEE की भी वैकेंसी काफ़ी अरसे बाद आने वाली है, तो JEE की भी कुछ वैकेंसी होगी और भी कुछ छोटे छोटे पद हो सकते हैं, जैसे RPF की वैकेंसी को भी काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर के 1 से 1.5 लाख वैकेंसी आपको मार्च 2023 तक, इस वर्ष के लास्ट नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च 2023 तक देखने को मिल सकती है। और वेटिंग वालों के लिए भी जो कुछ स्थिति है वह भी हमने कहा है, इस वर्ष के लास्ट तक रेलवे ALP टेक्नीशियन वेटिंग वाले के भी क्लियर होकर के ज्वाइनिंग करने की पूर्ण संभावना है, जैसा कि इंटरनल खबर है। तो आप सभी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए धन्यवाद।